हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग 13 अप्रैल यानी कल होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी और ओल्ड पेंशन स्कीम की एसओपी को लेकर चर्चा संभव है। इसी तरह मुख्यमंत्री की कुछ बजट घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। कैबिनेट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स स्टाफ को 3 महीने का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। 2200 से ज्यादा कर्मचारी बाहर किए जा चुके हैं, वहीं कई कर्मियों को मानदेय ही नहीं मिला है। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 34 में से 7 वार्डों के लिए टिकट तय की गई है। पहली सूची स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन एवं इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने जारी की। इस सूची में टूटीगंडी वार्ड से कांग्रेस ने 2 बार पहले पार्षद रह चुकी उमा कौशल को फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। लोअर बाजार वार्ड से पूर्व पार्षद इंद्रजीत की पत्नी उमंग बंगा को टिकट दिया गया है। बैनमोर वार्ड से पूर्व मेयर नरेंद्र कटारिया की बेटी शीनम कटारिया, भट्टाकुफर से पूर्व में 1 बार पार्षद रह चुके नरेंद्र ठाकुर, छोटा शिमला वार्ड से पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान, न्यू शिमला वार्ड से 2 बार की पूर्व पार्षद कुसुम लता, पटियोग वार्ड से पूर्व पार्षद दीपक रोहाल को पार्टी ने 1 बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रदेश भर में चलने वाले करीब 1200 रात्रि रूटों के संचालन पर अगले माह से संकट खड़ा हो सकता है। 7 मई से निगम के चालक परिचालक रात्रि सेवाओं पर ड्यूटी नहीं देंगे। आपको बता दें कि बीते 42 माह से रात्रि भत्ते का भुगतान लंबित होने से चालक परिचालक ऑपरेशनल स्टाफ यूनियन ने मंगलवार को शिमला में ढली कार्यशाला के बाहर गेट मीटिंग के दौरान यह ऐलान किया। निगम के 11,000 कर्मियों को 11 दिन बीतने के बाद भी इस माह वेतन नहीं मिला है, जिससे निगम कर्मियों में भारी रोष है। हिमाचल सरकार ने पशुपालन विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी के बाद अब विजिलेंस 2 सहायक निदेशक और कैशियर के खिलाफ अदालत में चालान पेश करेगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने 2016 से 2018 के बीच बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, कृत्रिम गर्भाधान के आयतित सीमांत फीस जमा करने हेतु पशु चारे में गड़बड़ी की है। हालांकि कैग की रिपोर्ट ने भी इन अनियमितताओं को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कैग की रिपोर्ट के बाद अब विभागीय जांच में भी यह गड़बड़ी सामने आई है। शुरुआत में यह घोटाला लगभग 65 लाख रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ती गई, यह घोटाला लगभग 95 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा से धर्मशाला संचालित विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रमों में अब कस्टम ज्वेलरी उद्यम ट्रेनिंग का कोर्स भी जुड़ गया है। महिलाओं में कस्टम ज्वेलरी के बढ़ते प्रश्न को देखते हुए RCT ने इस नए कोर्स को शामिल किया है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से नए कोर्सेज सुझाए जाते हैं, जिनके लिए ट्रेनर उपलब्ध होने उपरांत PNBRCT द्वारा उन्हें कोर्स में शामिल किया जाता है। PNBRCT के माध्यम से संचालित कोर्सेज की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इन कोर्सेज की ट्रेनिंग में 99% महिलाएं शामिल है, जबकि 1% पुरुष ही इन कोर्सेज में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने समीक्षा योजना बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। ABBP का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कई कॉलेज बिना सोचे समझे डी नोटिफाई कर दिए, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में ABBP आंदोलन करेगी। ABBP के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि 17 अप्रैल को जिला केंद्र व विश्वविद्यालय केंद्रों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। नेगी ने कहा कि सरकार ने द्वेष की भावना से प्रदेश के कई कॉलेज डी नोटिफाई किए हैं, जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ प्रोजेक्ट को गति देने के लिए हाई पावर कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें जल शक्ति विभाग, बिजली, लोक निर्माण, उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ऊना में बन रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए 312 करोड़ रुपए की लागत से 120 मेगावाट बिजली की व्यवस्था और पार्क में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए 31 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के संचालन के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इम्प्लीमेंट एजेंसी का गठन किया है। वहीं सरकार ने उसे बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने में पैच फंस गया है। इस प्रस्तावित हवाई अड्डे की सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में हमीरपुर के जाहू में एयरपोर्ट बनाने की सहमति दर्ज की गई है। इसमें तकनीकी टीम के सुझाव के बाद परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान जाहू बदलने के विकल्प को सही बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भला क्षेत्र के मुकाबले में जाहू में कम लोगों के आवास प्रभावित होंगे, इससे विस्थापन की समस्या भी कम होगी। मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने SR एशिया नामक सर्वेक्षण एजेंसी से तैयार करवाया है।
प्रदेश का पहला खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में आज से शुरू हो गया है। इसमें सेंटर के लिए प्रदेश भर के 71 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में जूडो, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जूडो में 8 लड़के और 13 लड़कियां, बॉक्सिंग में 10 लड़के और 10 लड़कियां, एथलेटिक्स में 15 लड़के और 15 लड़कियां प्रदेश भर से चयनित किए गए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच प्रशिक्षण देंगे। साथ ही खिलाड़ियों को इस दौरान मसाजर, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशन की सुविधा भी मिलेगी। प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। मौसम साफ रहने से बागवानों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश के कम ऊंचाई वाले सेब उत्पादित क्षेत्रों में इन दिनों बगीचों में फ्लावरिंग का दौर जारी है। इसके लिए मौसम का साफ रहना बेहद जरूरी है। साफ मौसम में पॉलिनेशन अच्छे से होता है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को प्रदेश में मौसम फिर से करवट बदलेगा। प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में मौसम के साफ रहने से तापमान का पारा भी बढ़ने लगा है। प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस चला गया है।